अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख 5 अगस्त निर्धारित हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल है। इसी दौरान एक वीडियो शेयर किया जाने लगा, जिसके साथ ये दावा किया गया कि स्पेन में राम मंदिर निर्माण को लेकर वहां मौजूद भारतीयों ने एक जुलूस निकाला। ट्विटर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा तेलंगाना के प्रवक्ता रूप डराक ने ये वीडियो ट्वीट किया है और दावा किया है कि स्पेन में भारतीयों ने राम मंदिर निर्माण का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ऑल्ट न्यूज ने यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च किया तो बगैर किसी मुश्किल के ये वीडियो स्वर्ग अंधार ढोल तासा पथक नाम के एक चैनल पर मिल गया। इस वीडियो को 16 अक्टूबर 2018 को अपलोड किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 2018 में मुंबई के म्यूजिकल बैंड स्वर्गंधार ने स्पेन में मराठी संस्कृति दिखाने के लिए एक फोक म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इस मराठी ग्रुप के स्पेन में एक म्यूजिक फेस्ट में शरीक होने के बारे में मिड्डे के एक आर्टिकल में भी लिखा गया था। ये आर्टिकल 25 जून 2018 को पब्लिश हुआ था, यानी 2018 का एक वीडियो 2020 में शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्पेन में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ ये भी बता दिया जाए कि रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 9 नवंबर 2019 को आया था और ये वीडियो उससे भी 1.5 साल पुराना है। धन्यवाद।